शहर में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस के आते ही दुकानों का गेट बंद कर दुकानदार गली में भाग जाते हैं और पुलिस के आगे बढ़ते ही उनके पीठ पीछे दुकानों का गेट खोल देते हैं। बाकी और भी अन्य जनता सड़क पर बेवजह घूमते नजर आ रही है। पूछे जाने पर कई तरह के अलग अलग बहाने बनाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पुलिस के लाठियां और डंडे का सामना करना पड़ता है। पुलिस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को और कई तरीकों से दंड देती है। वैसे हालात में पुलिस प्रशासन का एक नया अवतार देखने को मिला। आरा नगर थाना के सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार निराला ने लोगों को सुधारने के लिए एक नई पहल की। जो लोग घर से बेवजह बाहर निकलते हैं उन्हें सजा देने के लिए बजाय उनके पास जाकर उन लोगों को हाथ सैनिटाइज किया और प्यार से समझाया कि घर से बेवजह बाहर ना निकले, ये बीमारी जानलेवा है, आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज़।